हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो मैं जस्ट ए मोटिवेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे युवा जैसे हैं कि युवा पीढ़ी हैं, जो मैं भी एक युवा ही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने डेयरी फार्म जो है सो हाल फिलहाल में ओपन किया, उसके बाद से क्लोज कर दिए, और बहुत सारे ऐसे डर रहे हैं डेयरी फार्म करने के लिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों डेयरी फार्मिंग में, जिसके कारण हमारा फार्म जो है सो क्लोज ना हो और काफ़ी बेहतर तरीका से लॉस होने के बाद में भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं, और किस तरह स्टैंड कर सकते हैं डेयरी फार्म में। ये जस्ट ए मोटिवेशन के टाइप्स कि मेरी जर्नी किस टाइप की रही, तो उस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी जो है सो जुड़ने भी चाहते हैं, जिनका हर एक आदमी का जॉब पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, और जॉब पॉसिबल भी है तो 3-4 साल में एक बार वैकेंसी आती है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं किन किन बातों पे टिप्पणी की जाएगी और किन बातों पे बात किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरी जो है सो मोटिवेशन के कारण जो है सो कुछ युवा में या कुछ ऐसे आदमियों में ये मोटिवेट आ सकती है कि नहीं, डेयरी फार्म के अंदर रुचि आ सकती है कि नहीं आ सकती है, तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। हम आ चुके हैं कैमरा के बैक पे, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो है सो लगभग 11-12 गायों की डेयरी फार्म है, और अच्छी खासी दूध उत्पादन भी हो रही है। अभी लगभग जो है सो क्या है कि लगभग 9 गाय जो है सो हमारे मिल्किंग पे है, और 2 गाय प्रेग्नेंट, 1 गाय वो, और देखा जाए तो कुछ गाय में अभी फिलहाल जो है सो मिल्किंग का जो है सो थोड़ा सा कैपेसिटी कम है, जिसके कारण जो है सो दूध उत्पादन कम हो रहा है। जैसे प्रेग्नेंट है 6-7 मंथ जिसका है, उसका दूध उत्पादन कम हो रहा है। बाकी सभी गायों में जो है सो 2-3 इसमें ताज़ा गाय डाली गई है, एक हमारी जो नई गाय है वहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं ये गाय हमारी नई है, और एक जो है सो वहाँ पे जो हमारी जो है सो जिसको हम लोगों ने कुछ हाल फिलहाल में मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो गाय अभी हाल फिलहाल ने ही बच्चा दिया है। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों कि जैसे जो है सो कोई युवा जो है सो या फिर कोई नए जो डेयरी फार्मर है, जैसे डेयरी फार्म से बहुत ही रुचि के साथ में, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में वो डेयरी फार्म पे जुड़ते हैं कि एक अच्छा मुनाफा हो और बेटर तरीका से हम लोग डेयरी फार्म को राइज कर सकें, तो मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे भी आप डेयरी फार्म ओपन करें, उससे पहले आप जो है सो एक जैसे ये हमारा शेड है, तो हमने इसको लगभग डेयरी गाय लाने से लगभग मैंने मन तो बना लिया था कि गाय लाना है, तो गाय लाने से लगभग 1 साल पहले ही इसको बनाने का स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे पार्ट वाइज काम किया इसको, पहले जैसे दीवार वगैरह उठाया, उसके बाद से ये शेड बनाया। शेड बनाने के बाद से मैंने लगभग साल भर जो है सो इस तरह से ईंटा जो दे के उस टाइप पे वहाँ पे रखे थे, कोई नाद कोई खुरली नहीं, इस तरह के ड्रम लाने के बाद से ही मैं ड्रम्स पे खाना खिलाता था। और ये हमारी फर्स्ट गाय है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये गाय, ये उसकी बछिया है, तो हमारी फर्स्ट गाय और बछिया, और ये इसकी बछिया, तो ये तीनों जो है सो हमारी फर्स्ट परिवार की। तो फर्स्ट गाय हम लोगों ने सेल नहीं किया है। तो होते क्या है कि दोस्तों कि जैसे कि कोई भी डेयरी फार्मर जैसे जोड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फार्म बना लिया, एक साथ 10 गाय उठा के ले आया कैपिटल के भरोसे से, तो ऐसा नहीं करना है। आप पार्ट वाइज करें, आपको लॉस भी होगी तो आपको उस तरह की झटका नहीं लगेगी। तो प्रॉपर तरीके से सबसे पहले क्या किया जाता है कि डेयरी फार्म आपका नया में जो है सो लॉस ना दिए जाए, तो उसमें करते क्या है कि जैसे कि आप लोकेलिटी में मान लीजिए कि आप लगभग जैसे 20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर के अगल बगल में आप देखें जैसे गाय हो गया या भैंस हो गया, तो गाय या भैंस से डेयरी फार्म शुरू करना, वो तो हमने पिछली वीडियो पे लगभग मेरे चैनल पे वो वीडियो है, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो उसमें प्रॉपर तरीका से दिया गया है कि गाय और भैंस में कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी डेयरी फार्म। तो जैसे कि दोस्तों आप जैसे गाय लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए 50 या 60 हज़ार का कोई भी गाय ले, तो 30 से 40 किलोमीटर के अंदर में वो मतलब जैसे होनी चाहिए उसकी रेंज, तो उसके बाद से जो है सो हम लोगों ने जैसे मान लीजिए वहाँ से गाय हम लोग परचेस करते हैं, तो उसकी क्या होती है कि जैसे हवा पानी जो भी है नियरेस्ट एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और वहाँ दरअसल कॉल आ गया था जिसके कारण थोड़ी सी मिस्टेक। तो वहाँ पे क्या होती है कि जैसे भी आप मान लीजिए कि होता क्या है कि जैसे अपना एटमॉस्फेयर में वो गाय आती है, तो उसको क्या है झेलने में प्रॉब्लम नहीं होती है,
और कोई भी वहाँ की पानी हवा जो है सो उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है डाइट, जैसे चारा बोल सकते हैं, तो वो चारा उसमें खाने में रुचि करती है और वहाँ से खाना में उसको कोई चेंजिंग नहीं होती, ना बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना उसको डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होती है। आप अगर बिहार साइड से हैं, पंजाब साइड से हैं, हरियाणा साइड से हैं, तो वहाँ पे गाय गेहूं की मात्रा जो है सो वहाँ पे डेयरी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हो रही है, दूध भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी साइड से भी, जो जहीं से भी है, तो इस जगहों में आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी गाय जानवर खरीदने के। मेनली होता क्या कि जैसे झारखंड में ऐसे गाय जानवर जो है सो उतना ज़्यादा, जो भी गाय आती है हमारी बिहार साइड से आती है, कहीं दूसरे स्टेट से आती नहीं है। तो बिहार से आते वक्त जैसे बहुत सारे युवा जो है, मैंने खुद जो है सो देखा कि जो मैंने फर्स्ट गाय लिया वो गाय लिया, उसके बाद से मैंने दो गाय जो है यहीं से लोकल से खरीदा, लगभग 8-10 किलोमीटर वहाँ जो पुराना डेयरी फार्म था वहाँ से मैंने परचेस किया, तो दो गाय हम लोगों ने परचेस किया, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मस्टाइटिस का एक जनरली प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरे नॉलेज के कारण वो गाय में लॉस हुआ। तो होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए ऐसे लोकेलिटी में जानवर लेते हैं तो सबसे पहले आपको बीमार नहीं पड़ेगी, तो बीमार नहीं पड़ेगी तो ऑटोमेटिक वो दूध उत्पादन सही टाइम से करेगी तो आपको दूध भी उत्पादन मिलेगा, आपको राइज करने का टाइम मिलेगा। जैसे ही 3 मंथ गैप होता है उसके बाद से क्या होता है कि आप एक गाय परचेज किए और गाय पे जो है सो साइकिल बनाने का स्टार्ट कर दिए, फिर वो जो आपको पुरानी गाय जो है सो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो आप उसको जैसे कि और एक चीज़ होती है कि हरा चारा की, अगर आपके पास में हरा चारा की जगह है, पानी की सुविधा है, खेत है, तो आप वहाँ पे हरा चारा लगाएं। और हरा चारा लगने के बाद से क्या होती है कि आपको कोई भी समस्या, हर एक लगभग समस्या आपका 50% समस्या जो है सॉल्व हो जाता है डेयरी फार्मिंग में जिसके पास में हरा चारा होती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेजमेंट, कि उसको दिन में कितने बार चारा दें। मान लीजिए उसको 2 बार चारा देना है तो कितने मात्रा में चारा दें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप एक पशु को, अगर एक आप गाय को अगर 10 किलो आप दाना देने का स्टार्ट करते हैं ना, तो वो 10 किलो खाने का हैबिट कर लेगी। आप उसको 5 केजी के आसपास में देना चाहते हैं तो 5 केजी में वो स्टार्टअप कर लेगी और सेट हो जाती है। होता क्या कि जनरली आप जो भी जानवर लें, जैसे मान लीजिए प्रेग्नेंट जैसे बच्चा दी होती है तो उसके बाद से ही लेंगे, तो जैसे ही 21 दिन के बाद उसको ज़्यादा फीड ना दें, लगभग 3-4 केजी के आसपास में दें जो उसको मतलब वो डाइजेस्ट कर सके। डाइजेस्ट करने का उसका दूध उत्पादन जैसे जब तक ले 10-15 दिन तक अगर एक तरीके से चलने दें, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ दूध उत्पादन कम हो रहा है, तब उसको एक मात्रा के अनुसार, एक लिमिट के अनुसार उसको फीड जो है सो बढ़ाने का कोशिश करें। तो उसमें क्या होता है कि फीडिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है और गाय अपने क्षमता से दूध देती है। ये नहीं कि मान लीजिए डाइट प्लान ज़्यादा दे रहे हैं इसके कारण से दूध उत्पादन हो रहा है, दूध आप जितना बेच रहे हैं उसका सारा चीज़ जो है सो गाय खाना खा जा रही है, तो उस तरीके से एक लिमिटेशन होता है होना चाहिए। मान लीजिए हम 10 केजी का लिमिट दे रहे हैं तो 10 केजी में ही होना चाहिए, 10 केजी में हमको 5 पशुओं को खिलाना है तो 2-2 केजी करके 5 पशुओं को खिलाएं, और अगर 10 केजी में आपका मान लीजिए 3 पशु जैसे दूध पे है तो 3 केजी करके 3.5 केजी करके 3 किलो 300 के आसपास में दें, तो आपका 3 पशु खा रहे हैं, 2 पशु का आप चोकर से या मान लीजिए जो भी हरा चारा वगैरह या साइलेज है तो उससे आप खिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। रही बात जैसे सबसे पहले क्या होती है डिवॉर्मिंग, गाय को जब भी आप परचेस करें, तो मैंने कितने बार आप लोगों को बताया कि डिवॉर्मिंग अगर आप सही टाइम पे करते हो तो आपकी बछिया भी बढ़िया तरीके से तैयार होगी, गाय भी सही टाइम पे कंसीव करेगी। प्रेग्नेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है प्रेग्नेंटी, गायों में इन्फेक्शन होता है यूट्रस में, पेट की बीमारी बढ़ती है डिवॉर्मिंग के कारण से, जो सही टाइम से डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं, दूध पे दूध देखा जाता है कि उसको सही तरीके से दूध कर रही है। अभी जैसे देखिए ये गाय जो गोबर की दूध, तो मान लीजिए इसको फीड भी दे रहे हैं अच्छे खास, इसका दूध उत्पादन लगभग 30 लीटर के आसपास में, लेकिन फिर भी इसका गोबर जो है सर बढ़िया तरीके से टाइट है, तो क्यों कारण है? इसका सही टाइम पे टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग की जा रही है और सही टाइम पे इसको लीवर टॉनिक वगैरह जैसे विटामिन वगैरह कैल्शियम वगैरह और मिनरल मिक्सचर जो है प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है। पहले मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया, मैंने जो पुरानी गायें थी फीड ज़्यादा खा रही थी, दूध उत्पादन भले ही कर रही थी, ना उसमें प्रॉफिट हो रहा था ना कुछ भी नज़र आ रहा था, प्रॉफिट तो एकदम बिल्कुल से नज़र नहीं आ रहा था, तो उसी के कारण क्या हो रही थी, हमें लॉस हो रही थी ज़्यादा। अगर और लॉस भी मान लीजिए पेट गड़बड़ा, डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था सही तरीके से, तो वो सही तरीके से दूध उत्पादन तो कर लेती है लेकिन हमको सही तरीके से प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या हो गया कि सबको सारी चीज़ समझ में आ जाने बाद में उसको लिमिटेशन के अनुसार में, लिमिट के अनुसार में खाना दी जा रही है सही तरीके से उसको, मतलब जो भी रहे जैसे धान की भूसी वगैरह जो भी देना है
लिमिट तरीका से दिया जा रहा है, पानी भी अच्छे तरीके से पी रही है और दूध उत्पादन भी कर रही है, प्रॉफिट भी मुझे हो रही है। आज के डेट में मुझे लगभग 120 लीटर के आसपास में दूध, मैंने कुछ गाय परचेस करने के बाद में मेरे पास में लगभग 4 साल के अंतराल में मेरी गाय जो है सो कुछ कुछ डेथ की है, जिसके कारण जो है सो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने का चांस बना था, लेकिन हम लोगों ने फिर से हिम्मत नहीं हारी, पूरे परिवार का हमारे फार्म पे चलाने का सपोर्ट है और एक इनका भी बहुत ज़्यादा रहती है हमारे फार्म पे, फिजिकली ये हमेशा लगे रहते हैं फार्म पे, साफ सफाई से लेके जो भी रहे, तो इनका लगभग 50 साल से ऊपर है, लेकिन इनका डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ बहुत ही पुराना दिन है, बहुत ही पुराने टाइम से अपने डेयरी फार्म पे जुड़े हुए हैं, पशुपालन पे हमेशा खटाल से लेके सब जगह इनका अनुभव भी काफ़ी कमाल की रहती है, जो भी कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह जो बताते हैं देसी इलाज, इनका मतलब लाजवाब रहता है, तो कुछ ऐसे अनुभव लोग से आपको जुड़ना पड़ेगा। डेयरी फार्मिंग पे रहेंगे तो कुछ ऐसे, आजकल के डेट पे यूट्यूब पे इतनी वीडियो आती है, सभी भाई यूट्यूब पे अपलोड करती है वीडियो वगैरह, तो उसको आप जाके देखें। दिन में अगर कहीं पे टाइम दे रहे हैं जो भी चीज़ में आपको, अगर राइस करना है पार्ट टाइम नहीं, डेयरी फार्म पे अगर आप फुल टाइम टाइम देने लगे तो आपको फुल टाइम देंगे तो आपको पार्ट टाइम लगेगा, अगर पार्ट टाइम देंगे तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने देखा फुल टाइम मैंने दिया तो उसको पार्ट टाइम बना लिया, होता नहीं कि एक सही तरीके से जानकारी आपको हो जाने के बाद में इतना टाइम से एक घंटा डेढ़ घंटा सुबह कटना, एक घंटा डेढ़ घंटा शाम में करना, ये नहीं कि आपको यहीं पर खटिया लगा के रहना है, वैसे नहीं होता है। आप सही तरीके से सारा चीज़ की जानकारी प्राप्त कर ले, 2 साल आपको लगेंगे, समय आ जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी, डिवॉर्मिंग सारा चीज़ की जानकारी हो जाएगी, उसके बाद से ना आपको कोई मूर्ख बना सकता है, ना कोई डॉक्टर आपको अनर्गल पैसा लेके यहां से जा सकता है, तो उसको आप जानकारी प्रॉपर तरीके से ले। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद कर रहे हैं फिर भी लॉस हो रहा है, तो उसको जो है प्रैक्टिकली तब तक ले समझ में नहीं आता जब तक वो खुद का डेयरी फार्म नहीं कर ले, तो ट्रेनिंग करने के बाद भी करते हैं तो उनको खुद का प्रैक्टिकली करने के बाद में उनको जानकारी होती है, और बहुत सारे भाई जो है सो पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं उसके बाद से ट्रेनिंग होते हैं तो उसके ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे अनुभवी लोग जो अनुभवी जहां आपको जानकारी हो रही है कि वहां पे डेयरी फार्म है, तो वहां पे जाएं 2-3 दिन ऐसे घूम के आएं, उनको देखें, उनका मैनेजमेंट देखें जो सक्सेस डेयरी फार्म है, तो उनके पास में जाएं, उसके बाद से आप डेयरी फार्म से थोड़ा सा पेशेंस रख के डेयरी फार्म चलाएं, आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिट देगी आपको। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि आज लगता है मुझे फार्म बंद करना पड़े, तो वो उनके लिए था जो फार्म अगबगा के जो हड़बड़ा के जो जिन्होंने बंद कर दी, गाय सेल कर दिए, मान लीजिए 2.5-3 लाख लगाने के बाद में लगभग 1 लाख रुपये के कम में 2-3 पशु सेल कर दिए, उनके लिए ये वीडियो थी। तो मैंने फार्म जो है सो पीछे लगभग 4 साल से स्ट्रगल करके खड़ा किया, तो मैंने पहले भी गाय नहीं सेल किया और आगे भी फ्यूचर में गाय सेल नहीं करने वाला हूँ। फ्यूचर में बहुत बड़ा लेके जाना है मुझे डेयरी फार्म पे के लाइन पे, और बहुत सारे पशु हमारे फार्म पे जोड़ना है। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो सेकंड पार्ट भी वीडियो में सोच रहा हूँ कि अपलोड करूँगा और इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी मैं देना चाहता हूँ। इससे क्या होती है कि आज के जो युवा जो है सो, जैसे बहुत सारे युवा हैं जो मतलब दौड़ लगा रहे हैं, जो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं लग रही है, और सही टाइम आने के बाद में उसको मतलब उम्र भी निकल रही है और सही तरीके से कहीं से जॉब नहीं मिल पा रही, लास्ट में उनको 10,000-5,000 की नौकरी करनी पड़ रही है, तो ये उनके लिए भी वीडियो है, और वो भी ध्यान दे कर, कृपया करके ध्यान दें। जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी टाइम वेट दे रहे हैं, तो आप इसको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, कम मात्रा में जानवर खरीद सकते हैं, कम मात्रा में पशु स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और आपको कहीं तरीके से आपको लॉस देने वाली नहीं है, अगर आपने सही तरीके से मैनेजमेंट तैयार किया। कुछ कुछ ऐसे पशुपालक भाई मेरे भाई हैं जो लगभग 7-8 साल से डेयरी फार्म कर रहे हैं, और उनके फार्म पर एक भी गाय डेथ नहीं की है, क्योंकि उनको सही तरीके से आता है मैनेजमेंट। तो मेरी भी कुछ गलतियों के कारण जो है सो गाय अचानक से बढ़ाया था, जिसके कारण मुझे भी झेलनी पड़ी कुछ ऐसी समस्या, और मेरी भी कुछ गाय ऐसे डेथ की थी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आज वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गई है, तो बहुत सारे जो नए युवा हैं जो जिनको डेयरी फार्म जुड़ना है, तो बहुत कुछ भाई इंटरेस्ट के साथ में वीडियो देखते भी हैं, कुछ भाई इंटरेस्ट के साथ नहीं भी देखते हैं, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट लाने का कोशिश करता हूँ, कल तक इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को बने रहें और हमारे चैनल पर बने रहें, सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आप बताएं कि हाँ इसका मतलब लास्ट तक आप जानकारी दें तो मैं इसका लास्ट जानकारी आपको दे दूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे आप नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आप कमेंट करें तो इस तरह का कमेंट करें कि मुझे भले भी आप मुझे आप कितना भी कोई भी खराब कमेंट करें तो मुझे बुरा नहीं लगता है, बट जो नए पशुपालक जो जुड़ रहे हैं जिनको
तो इस तरह का कमेंट करें कि उनको डीमोटिवेशन ना हो, उनको मोटिवेट मिले। और ये जस्ट ए मोटिवेशन के लिए वीडियो थी, कोई जानकारी इनको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट पे, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।